हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। प्रीवियस वीडियो वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 12 10 11। ओके, इन दिस क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पास्ट टू इंटीजर डिविजिबल बाय 6। इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फॉर द एग्जाम, फॉर द एग्जाम्स इस टाइप से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया आपसे, तो इसके हम डिस्कस करते हैं आज। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब जो पॉजिटिव इंटीजर आप जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होगा, लास्ट तक जाएगा, ओके। और ऐसे नंबर हम सेलेक्ट करेंगे जो किससे डिविजिबल हो, 6 से। बात समझ में आई? तो 6 से डिविजिबल नंबर पहला क्या होगा, द पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट देखो क्या होगा आपका, 6 12 18 डॉट डॉट, और ये लास्ट कर 40 ले रहा हमें, तो 40 का मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, जो 40 जो 40वां आपका 40th जो आपका टर्म होगा, जो 6 डिविजिबल होगा, वो किससे दे आपका, इसलिए हम देखो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट जो a1 * 6 a2 = 6, ध्यान देना आपको फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट इनटू 2 2 * 6, बस में आया 3 * 6, ऐसे बन रहा है नहीं आपका। अगर a1 क्या है, a1 मतलब 1 * 6, a2 क्या है, 2 * 6, इस तरह से बनता है, सीरीज बन रहा है। जब इसका हम थर्ड वन, जो थर्ड a 3 है, 3 * 6 है, ऐसे ये 40 जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 40 * 6, और इसकी वैल्यू कितना होगा, 240। बात समझ आया ना, ऐसे ही आपका ये हो गया। तो यहां से हम ऐसे समझ रहे हैं कैसे आपका सीरीज बन गया, कि ये आपका कौन सा टर्म है, 40th टर्म, ये आपका a1 है, a2 ये क्या है, a3, इस तरह से ap बनता है आपका, क्लियर है। यहां पे a इक्वल टू कितना होगा आपका, 6, b इक्वल टू 12 - 6 क्या होगा, 6, और l इक्वल टू कितना है आपका, 240। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40। अब वो फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, 40 n इक्वल टू कितना होगा, यहां पे n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इज 40 टर्म है, आप ध्यान देना, तो यस 40 हम यहां पे यस n इक्वल टू n / 2 a + l, ये फार्मूला हम यहां पे यूज कर लेंगे, ओके। तो यस 40 इक्वल टू 40 / 2 a इज 6 + 240, तो यस 40 इक्वल टू 20, और ये आपका 246, और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो कितना आएगा आपका, यस 40 तो मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 6 = 12, 2 2 4 = 9, एंड 1 9 8 and 1 9, एंड 2 2 =, ये आपका आंसर है, ओके। Now we solve the question number 13, just like as a question number 12, ये जो question आपके just 12 की तरह ही है, बस आपको ध्यान देना है कि आपका जो 50 जो number of 40 था, आप क्या है कि आपका 15 है, और multiple of 6 नहीं है, multiple of 8 है, तो यहाँ पे हम find करेंगे solution, देखिए इसका थोड़ा तो आपको समझ आ जाएगा clear कैसे solve करना है। तो सबसे पहले आपका जो मल्टीपल ऑफ 8 है, नंबर पहला तो टर्म होगा 80 होगा आपका, a1 इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा 8, और l इक्वल टू क्या होगा इसका, जैसे सेम वैसे का आपका 15 टर्म आपका 8 का मल्टीप्लाई होगा, 15 * 8 कितना होगा, 120, ओके, और l इक्वल टू क्या होगा इसका, 15। तो ध्यान देना इसको फिर से समझते हैं कि कैसे आ रहा है, ये कैसे
आपका अगर जैसे आपका अगर इंटीजर लिखेंगे 1, 2, 3, 8, 10 फिर इसका अंदर आपका 15, 16, 17 से आएगा, तो ये जो नंबर है आपका ये नंबर इसके बाद 24 आपका, ये सब 8 के मल्टीपल है। पास में आया इसके मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल आ रहा है। ऐसे ही आपको 15 टर्म्स लेना है, कितने टर्म 15 टर्म जाना है आपको, 15 टर्म जो लास्ट टर्म आपका जो मिलेगा वो भी तो आपका 15 का मल्टीपल, मतलब क्या 8 का मल्टीपल होगा उसमें, तो 15 × 8 कितना होगा 15 × 8, जस्ट क्वेश्चन नंबर 12 है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। बात समझ आया? ओके, तो 15 = 15 यहाँ पे यस 15 क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे यस एन इक्वल टू होगा एन बाई 2 × 2 a + n, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज करेंगे। ओके यस 15 फाइंड करना है हमें, तो एन इक्वल टू 15 / 2 a कितना आपका 8 और एल इक्वल टू कितना आपका 120 और यस 15 हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे 15 / 2 और 8 क्या होगा 128 और इसको हम यस 15 और यहाँ पे 15 2 से डिवाइड करेंगे इसको 6 4 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। यस 15 पता है कितना आता है आपका 15 पूरा कितना होगा 16 मतलब 6 कैरी होगा आपका 15 4 जा 16 ऑफ 6 जा 90 तो 906 ये आपका आंसर होगा। बात समझ आया? ओके Now we solve the question of 14. Find the sum of the odd number between 0 and 50. जो odd numbers होंगे यहाँ देखेंगे odd numbers between 0 and 50 or क्या क्या होंगे 1, 3, 5, .49 Okay? ध्यान देना जो आपका ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 के बीच के जितने भी ऑड नंबर होंगे कहां से स्टार्ट होंगे जो 2 से डिविजिबल ना हो, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे भी बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कहां होगा आपका 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे जाएंगे, लास्ट क्या होगा 49, 50 से 2 से डिविजिबल है आपका इसलिए वो ऑड नंबर नहीं है। तो यहां से हमें फाइंड करना है कि द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 टू 50। अब सबसे पहले इसको फाइंड करें नंबर ऑफ टर्म्स इनकी कितने होंगे टोटल, तो यहां से हम फाइंड करेंगे ये आपका लास्ट टर्म है सिंस n इक्वल टू a + n - 1 * d a + n - 1 * d नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा। n इक्वल टू 49 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे 3 2 आ जाएगा 3 - 1 = 2 इनटू 2 तो ये आपका 49 माइनस 1 2n - 2 ये आपका 48 होगा आपका और ये सब जाएगा प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू n। ध्यान देना यहां से थोड़ा सा ये 1 इस पर गया माइनस होगा प्लस तो माइनस हो गया 49 माइनस 1 और ये 2n - 1 2 का मल्टीप्लाई 2n - 2 अब थोड़ा ध्यान देना कि इसके माइनस में 48 हुआ और ये माइनस 2 है उस तरफ जाएगा क्या होगा प्लस 2 और ये 2 आपका इधर जाएगा डिवाइड होगा। ओके 50 / 2 दैट मींस 25 n की वैल्यू कितना आएगा 25। ओके तो यस सम आपको निकालना है यस एन एन बाई 2 ए प्लस एन एन की वैल्यू 49 आपका इवन है तो यस n = 25 ने भी जस्ट इसको सॉल्व किया कि फाइंड किया है 2 a 1 और d n = 49 और यहां से मिल जाएगा यस n = 25 / 2 और ये क्या होगा 50 और यस n = 25 और ये कट कर देंगे इसको आ जाएगा 25 × 25 यस n नहीं होगा यस 25 ही होगा। ओके यस 25 यस 25 और यस 25 ओके इसका मल्टीप्लाई करेंगे 625 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके
बात समझ में आ रही है, कैसे सॉल्व करना है? आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड द मेथड, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 15 16 17 18 और ये सभी आपके वर्ड प्रॉब्लम है, और ये वर्ड प्रॉब्लम आपके सिलेबस में इस बार नहीं आएगा, कट किया गया है, आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। आपका चैप्टर नंबर 5 से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम इस सेक्शन से पूछा नहीं जाएगा। सम ऑफ यन टर्म के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, पूछा जाएगा हाँ 5.2 से और 5.1 जो भी क्वेश्चन से क्वेश्चन आएंगे। और ये जो आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है 15 16 17 18 19 20 ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, थैंक यू।